राजधानी भोपाल में विजयदशमी के दिन पुलिस प्रशासन ने नेहरू नगर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन कर आम जनता के लिए सुरक्षा देने की कसम खाई। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण मिश्र चारी का कहना है कि जो लोग कानून पर भरोसा रखते हैं उनके हितों के लिए शस्त्र की पूजा की जा रही है, साथ ही जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ इन शस्त्रों को उठाया जाता है। पुलिस ने शास्त्रों के मुताबिक शस्त्र पूजा की। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण मिश्र चारी ने कहा कि आज के दिन हम कसम खाते हैं कि इन शस्त्रों को हम तभी उठाएंगे जब हमें हमारी जनता के हितों की रक्षा करनी हो। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हम शस्त्रों का उपयोग करते हैं और आज विजयदशमी का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का दिन है। इसी के साथ कमिश्नर हरि नारायण मिश्र चारी ने कहा कि राजधानी भोपाल में 18 जगह रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको भी हम विशेष तौर पर सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे कि परंपरागत तौर पर शस्त्र पूजा की जाती है, आज पुलिस लाइन में यहाँ पर शस्त्र पूजा की गई। सामान्य तौर पर इस पर्व को हम जानते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाते हैं, इसलिए पुलिस के लिए पर्व यह अवसर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर पर जब पुलिस शस्त्र पूजा करती है तो उसके पीछे वो संकल्प लेती है, उसकी मंशा होती है कि इन अस्त्रों का प्रयोग हमेशा अपराधियों, असामाजिक तत्वों, जो व्यक्ति कानून में आस्था रखता है, जो कानून पसंद व्यक्ति है, उसके हितों की रक्षा के लिए हमेशा हो, और साथ ही साथ आम व्यक्ति जिसकी कानून में विधि में आस्था हो पुलिस को अपना एक सहृदय मित्र सम्मिलन, जो असामाजिक तत्व हो पुलिस उनके लिए हमेशा एक दुर्गम चुनौती बनी रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।